खबर शामिल करते हैं लाड़काना से, जहां माफिया के खिलाफ एक बेवा औरत सड़क पर एहतजाज करते हुए अपने मासूम बच्चों के साथ अपनी ज़मीन पर कब्जे के खिलाफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आईजी सिंध, एसएसपी लाड़काना, डीआईजी लाड़काना और डीसी लाड़काना से मुखातिब होकर कहा कि मैं बेवा और मजलूम औरत हूँ। मेरा शौहर शहीद पुलिस ऑफिसर था। मेरी ज़मीन पर कुछ बासर लैंड माफिया के लोगों ने कब्जा किया है। मेरे छोटे छोटे यतीम बच्चे हैं। मैं एक शहीद पुलिस ऑफिसर मोहम्मद याकूब उमरानी की बेवा हूँ। मेरे साथ इंसाफ किया जाए। सोशल मीडिया के हवाले से जितने भी लाड़काना में जो उस पर आपकी एक वीडियो वायरल हुई थी कि आपकी ज़मीन पर कुछ बास और लोगों का कब्जा है, तो उसका तदारुक हुआ आपके साथ, रब्ता हुआ किसी का, या उन बास और लोगों ने आपके साथ रब्ता किया, क्या हुआ? आपने बच्चों के साथ जो एहतजाज किया और इतने बड़े कॉन्फ्रेंस की और बहुत सारी दिल्लत देखी लाड़काना शहर में, और बहुत सारे कुछ पुलिस वाले भी हमने देखे जो आपको धक्के दे रहे थे, तो उसका क्या रिज़ल्ट क्या निकली है? उसकी रिज़ल्ट अभी तक कोई नहीं निकली। किसी ने हमारे साथ कोई रब्ता नहीं किया है और हमें अब से धमका रहे हैं। लेकिन सेवन फार्म में लेने गई तो वो भी वहाँ से मुझे नहीं दिया गया। कहने लगे कि अब हम आपको वो भी नहीं देंगे क्योंकि ये मेरा जायज़ है, मेरा लीगल है, मेरे साथ ना जाए। अच्छा, सेवन फार्म क्यों नहीं दे रहे? बस वो नहीं दे रहे कि अब ये गवर्नमेंट की ज़मीन है। गवर्नमेंट की ज़मीन क्यों है? वो हमारी खरीदी हुई है, मेरे ससुर के वालिद की खरीदी है 1946 में। अच्छा। ये हमारे साथ नाजायज़ की इमदाद उन्नट ने, क्योंकि हमने उसको नहीं दी। अगर हम उसको देते तो हमारी राइट थी, हमने नहीं दी तो अभी वो जो राइट नहीं है। अच्छा, तो आपके साथ किसी ने रब्ता किया है लाड़काना, एसएसपी लाड़काना या डीआईजी लाड़काना या जो भी जिनको भी आपने अपील की थी, को किसी बंदे ने, किसी नुमाइंदे ने, किसी वर्कर ने आपके साथ रब्ता किया है? इतने बड़े एहतजाज किए हैं आपने लाड़काना। किसी ने मेरे साथ कोई रब्ता नहीं किया है, कोई भी मुझे जवाब मौसूल नहीं हुआ है। हम जो धक्के खाते फिर रहे हैं, जो दर बदर फिर रहे हैं, जो आला अफसरान के दरवाज़ों पर जा रहे हैं, वो हमारी कोई बात नहीं सुन रहे हैं। ये कुर्सियाँ तो सरकार की हैं लेकिन यहाँ हुक्मरानी वडेरों की चलती है। ये हमारी कोई बात नहीं सुन रहे, हमारा हक हड़पने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा हक ये खा रहे हैं, हमारा हक हमें दिया जाए। अभी आप किसको अपील करेंगे हमारे जरिए, हमारे चैनल के जरिए? मैं आपके चैनल के जरिए चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट अहमद अली शेख साहब को, वो हमारे लाड़काना का है, वो तो हमारी बात सुने। अच्छा, वो तो ऐसी लाड़काना है ना? नहीं, अहमद अली शेख। अच्छा, अहमद अली शेख साहब जी, जी जी, वो लाड़काना का है, चीफ जस्टिस हाई कोर्ट। क्या हम लाड़काना के नहीं है? क्या उसको गंद किचरा नजर आता है? हमारा हक नजर नहीं आता है? वो ये कहता है कि गंद किचरा हटाओ, गंदगी हटाओ, क्या गरीबों के जमीनों पे कब्जा करो? वो ये भी तो जाने कि ये जमीन है किसकी। तो हमारे साथ किसी ने कोई रब्ता नहीं किया है। मैं अपील करती हूँ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट साहब को, मैं अपील करती हूँ हाई कोर्ट चीफ जस्टिस को, मैं अपील करती हूँ आर्मी जनरल को, हमारा तदारक किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। और जो सोशल मीडिया वाले हैं उनकी मेहरबानी है जो वो मुझे मीडिया पे ला रहे हैं और मेरे हक के लिए मेरी आवाज़ बुलंद करने में। मजीद बात करते हुए कहा कि मैं प्रेस क्लब के सामने खुद को चला दूंगी और जिम्मेदार हुकूमत होगी। मैंने बहुत बार एहतजाज किया मगर कोई हुकूमत का नुमाइंदा मुझसे मिलने नहीं आया। हमारे मुल्क में इंसाफ की कोई बात नहीं की जाती। मेरा आखिरी फैसला यही है कि मैं अपने आप को प्रेस क्लब के सामने आग लगा दूंगी।